हमारा जो एग्जिट पोल है वो सबसे बिल्कुल अलग है, और हमारा जो एग्जिट पोल है वो भारत के कितने भी गोदी मीडिया चैनल हो वो इसको बचा नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो एग्जिट पोल है उस एग्जिट पोल को अंधभक्त भी नहीं बचा पाएंगे। हमारा जो एग्जिट पोल है वो अंजना हो, मोदी हो, या सुशील चौधरी हो, या सुशांत हो, कोई हो, हमारे एग्जिट पोल को कोई भी गोदी मीडिया चैनल का बचा नहीं पाएगा। तो चलिए, दर्शकों नमस्कार, बोलो इंडिया के यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज पूरे हिंदुस्तान में क्या कहें, लोकतांत्रिक देश है, उस लोकतंत्र के देश में यानी रिजल्ट आने से पहले लोग यहाँ का अनुमान लगाते हैं। किसी का सी वोटर सर्वे करता है, किसी के पत्रकार आंकड़ा लगाते हैं, किसी का जमीन पर उतर के कई लोग महीनों सालों से पूरे चुनाव से पहले से एग्जिट पोल की तैयारी करने लगते हैं, है बात सही कि नहीं है। अच्छा आप बताइए, 543 सीटें हैं, 543 सीटों के अगर हर एक लोकसभा सीट पर घूमने के लिए एक व्यक्ति को बोल दिया जाए वो कितना समय लगेगा। अब गोदी मीडिया के तरीके हेलीकॉप्टर तो है नहीं हर आदमी के पास कि एक घंटे में सब जगह पहुंच जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो ये जो एग्जिट पोल होता है ये महीनों पहले से चलता रहता है। एग्जिट पोल देने के लिए अगर हम चाहें तो एग्जिट पोल ये दे देते हैं, और चाहे वो चाणक्य का सर्वे हो, चाहे वो एक्सिस इंडिया टुडे वालों का हो, कोई हो, चाहे रिपब्लिक भारत का हो, ये जितने भी चैनल हैं और जितने भी बड़े बड़े उद्योगपतियों के चैनल हैं, ये आपको उसी के सरकार बनाते दिखाएंगे जहां से इनको फायदा ज्यादा होगा। तो लोकसभा चुनाव 2024 के माध्यम से एग्जिट पोल की भारत की कुल सीटें 543, इंडिया अलायंस और इंडिया गठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर थी, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है, भारत का एक बच्चा जानता है। अब एनडीए की बात ना करके हम यहां पर बात करते हैं मोदी जी की, क्योंकि मोदी जी ने तो एनडीए को बहुत पीछे छोड़कर रखा है। सबसे ज्यादा अगर सीटें कोई जीत रहा है तो वो मोदी जी जीत रहे हैं, ना एनडीए जीत रहा है ना इंडिया जीत रहा है, सबसे ज्यादा सीटें मोदी जी जीत रहे हैं, क्योंकि मोदी जी भारत देश में बायोलॉजिकल नहीं आए, वो इस देश में इस पृथ्वी पर परमात्मा द्वारा भेजे गए एक दूत या एक राजा है, या एक जो भी कह सकते हैं अपनी भाषा में, तो भेजे गए एक महापुरुष हैं, और वो अभी दो दिन से कन्याकुमारी में साधना में लीन थे। तो हमारा जो एग्जिट पोल है वो सबसे बिल्कुल अलग है, और हमारा जो एग्जिट पोल है वो भारत के कितने भी गोदी मीडिया चैनल हो वो इसको पचा नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो एग्जिट पोल है उस एग्जिट पोल को अंधभक्त भी नहीं पचा पाएंगे। हमारा जो एग्जिट पोल है वो अंजना हो, मोदी हो, या सुशील चौधरी हो, या सुशांत हो, कोई हो, हमारे एग्जिट पोल को कोई भी गोदी मीडिया चैनल का बचा नहीं पाएगा। तो चलिए, हम अपने एग्जिट पोल को आप लोगों के बीच में रखते हैं। तो हमारा एग्जिट पोल है एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे का टक्कर था, और भारत में लोग बाग ऐसा कह रहे हैं कि विपक्षी लोग हैं वो ये कह रहे थे कि ये हमारा लास्ट चुनाव है और इसमें के बाद संविधान पर आक्रमण होगा, संविधान को खत्म किया जाएगा, ना जाने क्या क्या ऐसा बोल रहे थे। अब इसको लेकर मोदी जी ने पूरी कमान एनडीए की संभाली हुई थी, और एनडीए चुनाव नहीं लड़ रहा था, इस बार चुनाव मोदी की गारंटी लड़ रही थी। अब मोदी जी की गारंटी कितना काम करती है, या इंडिया गठबंधन के संविधान कितना काम करता है, ये तो 4 जून को रिजल्ट के बाद शाम तक पता चल जाएगा। तो चलिए, हमारा जो एग्जिट पोल कहता है वो कहता है 209 सीटों से लेकर 255 सीटें भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी जी की गारंटी पर आ सकती हैं। हाँ, सुन लीजिएगा, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। और इंडिया अलायंस, अब बात संविधान की आ रही थी ना, और आ रही थी, तो इधर मुझे लगा कि थोड़ा सा सीटें बढ़ाना चाहिए, 20-25 सीटें बढ़ना चाहिए, क्योंकि देश
संविधान से चल रहा है, सिस्टम संविधान से चल रहा है, और हर आदमी संविधान को मानता है और संविधान हमें बोलने की आजादी देता है, संविधान की वजह से हम सब कुछ भारत के अंदर अपनी बात रख सकते हैं। तो इंडिया गठबंधन 260 से 285 सीटें लाने का अनुमान लगाया जा रहा है, ये हमारा एग्जिट पोल है। अब ये 260-285 सीटें तक आ सकती है इंडिया गठबंधन की, ऐसा ही है ना। चलिए ये कैसे पॉसिबल है, थोड़ा कुछ राज्य है मेन में जिनमें सीटें ज्यादा हैं और जो सीटें बता सकती हैं कि हाँ गवर्नमेंट में आने के लिए मामला बहुत नजदीकी और बहुत करीबी का है। हालांकि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं हम इंडिया गठबंधन 295 आएगी, अब आएगी या नहीं आएगी ये तो 4 जून को पता चलेगा। और जितना भी पूरे भारत में टीवी चैनलों ने एग्जिट पोल का एक ढिंढोरा दे दनादन पीट रखा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए पीट रखा है। और ये सुधीर चौधरी जो इंडिया गठबंधन के द्वारा बोले गए विपक्षी नेताओं के बयानों को दोहराकर जो मतलब फिरकी ले रहे हैं, ऐसी फिरकी इतिहास में कभी किसी गोदी मीडिया के एंकरों या पत्रकारों ने आज तक के हिंदुस्तान में 75 सालों में किसी ने नहीं किया होगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इस देश में पूर्ण तरीके से लोकतंत्र है और लोकतंत्र स्थापित होने के कारण ये जितने भी एंकर गोदी मीडिया के हैं ये अपनी। तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश से होकर इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा सीटें हैं पूरे भारत में, 80 सीटें हैं। 80 सीटों में बीजेपी नहीं, एनडीए भी नहीं, मोदी जी। तो 80 सीटों में यहां पर राम मंदिर है, तो मेरे हिसाब से 50-51 सीटें मोदी जी को मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं। यहां पर इंडिया गठबंधन यहां पर 25 से 30 सीटें लाने का अनुमान है, सीधा सीधा ये आप समझिए। तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से जो एनडीए की उत्तर प्रदेश में मोदी जी की 50 से 51 सीटें आने की संभावना है, और इंडिया गठबंधन की यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जो मिलकर चुनाव लड़ा है उसमें 25 से 29 सीटें आने की संभावना है। फिर हम आ जाते हैं बिहार की। बिहार में 40 सीटें, 40 सीटों में से आरजेडी और जेडीयू प्लस मोदी जी। बीजेपी को मोदी जी कहते हैं, क्योंकि बीजेपी पार्टी ही मोदी जी की वजह से बनी थी, क्योंकि कंगना रनौत जो हिमाचल से सीट से चुनाव लड़ रही है हिमाचल में, उन्होंने कहा था कि मोदी जी हजारों सैकड़ों कई सालों से हिमालय पर तपस्या कर रहे हैं, चुनाव से पहले, राजनीति से पहले, जब वो राजनीति में आए भी नहीं थे तब से वो हिमालय पर तपस्या करते रहे हैं और आज भी वो तपस्या ही कर रहे हैं। तो हम मोदी जी को मान लेते हैं, ये दोनों लोग मिलकर आरजेडी का जो माहौल बना है तेजस्वी यादव की वजह से, जिस व्यक्ति ने एक ब्लॉक स्तर तक अपने ट्रैक्टर को यानी हवाई जहाज को ट्रैक्टर बना दिया हो, 230 से ऊपर रैली कर चुका है बंदा, तो आरजेडी हमारे हिसाब से यहां पर
मामला बिल्कुल बहुत सटीक रहेगा, तो बिहार में 15 से 18 सीटें हम दे रहे हैं मोदी जी को, क्योंकि ये जेडीयू जेडीयू ये नितिन कुमार जो नीतीश कुमार हैं, ये नीतीश कुमार मोदी जी में विलय हो गए हैं। अब इनकी पार्टी पर खतरे की घंटी मंडरा रही है। अब वहां पर मोदी जी यानी भारतीय जनता पार्टी की ही चलेगी, तो 18 से 20 सीटें जीत सकती है, 15 से 20 सीटें यहां पर वो जीत सकती है, और 20 सीटें इस बार कहीं ना कहीं आरजेडी मारने वाली है। अब देखना क्या है, वो तो 4 जून को पता चलेगा। तो इसका समझ में आया। मध्य प्रदेश में सेम वही चीज है, मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, तो जाहिर सी बात है यहां पर बीजेपी की सीटें ज्यादा आएंगी। आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ डबल इंजन की सरकारें चल रही है। अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तो यहां पर 28 में 25 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी, और 5 सीटें कहीं ना कहीं मोदी जी को मिलेंगी। गुजरात में सीधा सीधा 22 से 24 सीटें एनडीए को जाएंगी, और 1 से 2 सीटें इंडिया अलायंस को जाएगी। राजस्थान में यही देख ले, तो पिछले साल कांग्रेस की सरकार रही और सीटें वहां पर 25 हैं, तो यहां पर इस बार भारतीय जनता पार्टी की यानी मोदी जी की सरकार है, तो जाहिर सी बात है 25 से कम 12 से 16 सीटें जीतेंगे और बाकी कांग्रेस के खाते में जाएंगी। महाराष्ट्र, यहां पर 2 शिंदे गुट, उद्धव गुट, यहां पर तो बहुत घमासान है, क्योंकि यहीं पर महाराष्ट्र में ही मोदी जी ने तोड़ मरोड़ कर सबको बता दिया था कि परमात्मा ने हमें भेज दिया है, तुम लोग सब लोग घर जाओ और हम यहाँ पर सरकार बनाएंगे। तो यहां से उद्धव ठाकरे से सरकार छीन कर सरकार बना ली थी। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की बात करोगे तो महाराष्ट्र में बहुत ही कांटे का टक्कर है, और दोनों सीटें 2, 4, 10, 5 ऊपर 48 में अगर बात करें तो बहुत ज्यादा तो 18 से 15, 18 सीटें यानी एनडीए की तरफ जाएंगी और बाकी सीटें कांग्रेस की तरफ जाएंगी। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, यहाँ पर डीएमके की सरकार है और यहाँ पर 39 में से कम इंडिया अलायंस की बात करोगे तो 35 से 38 सीटें एनडीए के खाते में जाएंगी, और एक सीट कहीं ना कहीं कांग्रेस को, एक सीट कहीं ना कहीं एनडीए को यानी मोदी जी को मिलने वाली। केरल में भी सरकार कांग्रेस की है, और केरल की 20 सीटों में से आप मान लीजिए कम से कम 17 से 18 सीटें कांग्रेस को जाएंगी। पश्चिम बंगाल का मामला बड़ा कठिन लग रहा है, टीएमसी और मोदी जी। जब कोई एनडीए कहता है ना, एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन में जब कोई गठबंधन होता है, आपने इंडिया गठबंधन की रैली देखी तो वहां पर सारे लोग रैली में लगे हुए थे, सब लोग पूरा मेहनत कर रहे थे, सब सिस्टम कर रहे थे, और इंडिया गठबंधन के बाद जो एनडीए है यानी मोदी जी की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसमें आप केवल मोदी जी ही मेहनत करते हैं, अमित शाह जी करते हैं, अब तो थोड़ा योगी आदित्यनाथ जी करने लगे हैं ऐसा दिखा रहे हैं कैमरे पर, नहीं तो मोदी जी से ज्यादा कोई मेहनत एनडीए के अंदर आज तक ना किया है ना करेगा। अब टीएमसी की बात कर लेते हैं। टीएमसी एक ममता बनर्जी की पार्टी है और वहां पर वो सत्ता में पहले से हैं। भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी को उखाड़ने की बहुत कोशिश करी, लेकिन ममता बनर्जी के आगे उनकी एक न चली, और ये जमीनी पार्टी है, जमीनी लेवल पर काम करती है, जमीनी लेवल पर इसने चुनाव लड़ा है 2024 के लोकसभा का।
अब यहाँ पर एग्जिट पोल क्या दिखा रहे हैं, हमें उससे नहीं मतलब, हम बता रहे हैं एग्जिट पोल महीनों, 6-3-4 महीनों से, जब से चुनाव स्टार्ट होता है तब से लोग लग जाते हैं एग्जिट पोल बनाने के लिए। एक दिन में कोई एग्जिट पोल नहीं बना पाएगा, बहुत बड़ा अगर अनुमानित होगा तो हमारे जैसा बना देगा। और जो ये बोलते हैं हमारे लोगों ने सर्वे किया, हमारे इसने सर्वे किया, हमारे उसने सर्वे किया, ये सब फर्जी बताते हैं, सब झूठ बोलते हैं। तो बंगाल की टीएमसी ममता बनर्जी इस बार मोदी जी को कांटे का टक्कर देने वाली है। तो 40 में से हम 30 सीटें का अनुमान लगा रहे हैं टीएमसी के, जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा है, और बाकी 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हो सकती है। अब ये जो एग्जिट पोल है, ये एग्जिट पोल हर व्यक्ति को समझ नहीं आएगा, और ये जो हमने बातें बताई है ये भी समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े टीआरपी वाले चैनल जो एक पार्टिकुलर किसी पार्टी की चाटुकारिता करते हैं, तो वो एग्जिट पोल आपको समझ में आएगा। और ये बोलो इंडिया एक्सप्रेस का धमाकेदार जो आपने एग्जिट पोल देखा, सरकार के बहुत करीब है इंडिया गठबंधन, और सरकार की करीब एनडीए भी है, यानी मोदी जी भी है। मोदी जी को सरकार बनाने में जरा सा भी टाइम नहीं लगता है, जिस तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार बना ली थी कुछ समय पहले, जिस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार बना ली थी कुछ समय पहले, जिस तरीके से उन्होंने गोवा में सरकार बना ली थी कुछ समय पहले। तो बात हम आपको बता दें कि मोदी जी है तो मुमकिन है, ये 255 आप ना देखिए, ये 295 में कब बदल जाएंगी आप, हम और आप जान भी नहीं पाओगे। तो मिलते हैं 4 जून को, क्या किसका निर्णय होता है ये तो रिजल्ट ही बताएंगे। और चुनाव आयोग नहीं, चुना आयोग आपको कितना सही समीकरण और कितने सही रिजल्ट दिखाएगा वो 4 जून को पता चलेगा। हमें आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को, इस एग्जिट पोल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।